रूपा जी नजर डालें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की ओर, तो देख रहे हैं कि ग्वार गम का अक्टूबर वायदा 11,114 पर है 3% की ऊपरी सर्किट के साथ, और ग्वार सीड का अक्टूबर वायदा 6,330 पर है लगभग 4% की ऊपरी सर्किट के साथ। रूपा जी आज आपका ग्वार का टारगेट, ग्वार गम का और ग्वार सीड का अचीव होता हुआ नजर आ गया। आपने जो पिछले इंटरव्यू में बोला था कि ग्वार की कीमतों में अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी, 11,000 के पार जाएगा और ग्वार सीड 6,200-6,300 का लेवल दिखलाती हुई नजर आ पाएगी, आज आपका वो दोनों लेवल अचीव होते हुए नजर आ गए हैं। अब आपको यहाँ से क्या लगता है, क्या ग्वार में यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी देखने को मिल पाएगी और क्या गम 12,000 का भी लेवल दिखला पाएगा? अखिलेश देखिए, बिल्कुल मुझे तो लगता है इनफैक्ट 12,000 से भी ऊपर के लेवल जो है ग्वार दिखा सकता है। ग्वार गम जिस तरीके से डिमांड पिकअप होती हुई नजर आ रही है और जिस तरीके से बाइंग हमें फिजिकल में देखने को मिल रही है, उसका सीधा असर वायदा के ऊपर भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। और ग्वार में अब जो लगातार आप देखिए, जो टेक्निकली अगर मैं बात करूँ तो 10,000 के ऊपर सस्टेनेबिलिटी आ चुकी है, अब यहाँ से तेजी की तरफ है और 11,000 के ऊपर भी हमने इसको कॉन्टिन्यूशन में दो बार ट्रेड करते हुए देख लिया। और आज भी बाजार जो है 350 अंकों की तेजी के साथ, यानी कि 3% तेजी के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक अच्छी रैली है और मुझे लगता है कि ये तेजी कंटिन्यूशन में हो सकती है और इनफैक्ट 12,000 का लेवल तो जल्द ही अचीवेबल है और 12 के बाद ऊपर निकलता है मार्केट तो 13,000-13,500 के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर सीड की बात करूँ तो सीड मुझे लगता है कि 6,500 तक एक बार ऊपर जा सकता है जी। तो यानी कि ग्वार की जो कीमतें हैं यहाँ से अभी और एक्सटेंड होती हुई नजर आ सकती है वायदा बाजार के अंदर। रूपा जी के मुताबिक ग्वार गम और ग्वार सीड की जो कीमतें हैं उनके अंदर अभी एक अच्छी रैली और निकल के सामने आ सकती है।